हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th SST के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, ज्योग्राफी का अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसकी अपन पहले चार वीडियो देख चुके हैं। और जिन चारों वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया है, सबसे पहले अपन ने देखा था भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर सबसे पहले उसके पहाड़ यानी पर्वत, जिसमें अपन हिमालय पर्वत देखा, उसका वर्गीकरण। उसके बाद अपन ने देखे थे मैदान, और मैदान के बाद लास्ट वीडियो के अंदर अपने देखे थे प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के साथ अपने पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, ये सब कुछ अपन ने देख लिया था, मालवा का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन सब के बाद आज अपन अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन देखेंगे मरुस्थल, समुद्री तट और द्वीप समूह। क्योंकि जब अपन ने लेसन स्टार्ट किया था, उस वक्त बात करी थी कि भारत में मुख्य रूप से छह भौतिक स्वरूप के अंदर अपन ने भारत को बांट रखा था, जिसमें से पहाड़ यानी पर्वत, मैदान और प्रायद्वीप पठार, तीन चीज अपन पढ़ चुके। यदि आपको भारत का नक्शा थोड़ा सा ध्यान में हो, यहाँ पे इसका रफ डायग्राम बना देती हूँ, कुछ इस तरह का अपना जो भारत का नक्शे का बच्चों डायग्राम बनाते हैं अपन। और इसके अंदर अपन ये देख चुके थे कि यहाँ पर तो अपना ये और ये जो ट्राइंगुलर भाग आता है, हाफ सर्कल आ जाता है, फिर यहाँ पर ये भाग आता है और अपना इस तरह से ये भाग आता है। तो अपन ने देखा था कि यहाँ पर तो अपने पर्वत थे, फिर यहाँ पर अपने मैदान की बात करी थी, और फिर ये पूरा जो भाग था वो प्रायद्वीपीय पठार की बात करी थी। आज अपन बच्चों बात करेंगे मरुस्थल, समुद्री तट और द्वीप समूह। तो अपना मरुस्थल पश्चिमी भाग के अंदर भारत के अंदर, फिर समुद्री तट क्योंकि नीचे की तरफ समुद्र है यहाँ पर, और दूसरी बात आती है अंडमान या निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। तो इधर तो अपना होता है अंडमान या निकोबार आइलैंड, और इधर होता है हमारा लक्षद्वीप। तो बच्चों आज की अपनी पढ़ाई इस तरह से होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल। मरुस्थल नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या पिक्चर आता है? रेत ही रेत है, कोई नदी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है। हाँ बच्चों, यही मरुस्थल है। तो मरुस्थल कहाँ है? भारत के पश्चिम भाग के अंदर, अरावली के पश्चिम। एक तो इसको अपने जो भारत के अंदर कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। अपन राजस्थान के लोग हैं, अपने यहाँ पर थार का मरुस्थल है। तो जो मरुस्थल है भारत के अंदर, वो थार का मरुस्थल है बच्चों, और ये अरावली के पश्चिम भाग के अंदर है। और इसका जो पूरा जो अपना रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसका 85% भाग तो हमारे भारत में, लेकिन 15% भाग बच्चों पाकिस्तान के अंदर भी है। अब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर भारत के अंदर जो इसका 85% भाग है, उसमें से 90% भाग हमारा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, ये जो चार जगह है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, यहाँ पर हमारे जो मुख्य रूप से जो रेगिस्तान है, उसका 90% रेगिस्तान हमारे इन चार राज्यों के अंदर है, और 15% जो भाग है वो पाकिस्तान के अंदर है। अब ये जो हमारा रेगिस्तान है वो गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, और यहाँ का टेम्परेचर बच्चों कितना हो जाता है? अप्रोक्स 50°C। लेकिन ठंड के अंदर इसका टेम्परेचर होता है वो 0° से भी कम हो जाता है। यानी जो रेगिस्तान होता है वो गर्मियों में इतना गर्म हो जाता है कि हम वहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि न तो वहाँ पर कोई वनस्पति है, न ही गर्मियों के अंदर कोई नदी बहती है, और ठंड के अंदर इतना ठंडा हो जाता है कि वहाँ रहना मुश्किल है। इसी प्रकार इसलिए रेगिस्तान के अंदर विरल जनसंख्या, मतलब कम लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, विशाल बालू के टीले हैं। यदि आप रेगिस्तान की अगर जो इसकी इमेज देखना आप या फोटो देखो, तो बड़े बड़े टीले मिलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिखते हैं, लेकिन काहे के वो रेत के टीले, और रेत के टीले अस्थायी होते हैं, अर्थात जब हवा आती है तो आज तो अपने यहाँ पर रेत के टीले देखे थे, 4 घंटे बाद यहाँ पर तो प्लेन दिखेगा और रेत के टीले कहीं और चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि रेत तो हल्की होती है तो हवा के साथ उड़ती रहती है, तो रेत के टीले भी अपनी जगह बदलते रहते हैं, और इन टीलों को टिब्बे भी बच्चों कहा जाता है। अब जो यहाँ पर रेत की तरंगे होती है, जैसे पानी में समुद्र में तरंगे उठती है, ऐसे यहाँ पर भी तरंगे होती है, लेकिन वो तरंगे काहे की बच्चों? रेत की तरंगे होती है। यहाँ पर जो नदी है, वैसे तो कोई नदी नहीं है, लेकिन जब बारिश के अंदर एक नदी बहती है जिसको अपन लूनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लूनी नदी। और ये लूनी नदी मौसमी है, अर्थात जब बारिश होती है उस वक्त ही बहती है, और यहाँ पर बारिश लगभग 1.5 लगभग सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर के लगभग ही जो बारिश होती है, यानी साल भर के अंदर जो वार्षिक वर्षा भी बहुत कम होती है। और यहाँ पर हमको ये बात याद रखनी होगी कि जो लूनी नदी है वो क्या होती है, वैसे तो सभी नदियाँ कहाँ पर जाकर मिलती है बच्चों? समुद्र के अंदर, लेकिन क्योंकि ये तो मौसमी नदी है, इसके अंदर पानी बहुत कम होता है, तो ये कच्छ की खाड़ी में ही विलुप्त हो जाती है। और बच्चों जो बालू का आकार भी वो अलग अलग तरह का होता है, तो जो अर्धचंद्राकार हाफ सर्कल जो बालू के टीले होते हैं उन्हें बरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? बरकात कहते हैं।
और कुछ टीले लंबावत भी होते हैं जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप के चौथा स्वरूप की बात अपन ने कर ली मरुस्थल की, अब अपने पांचवे भौतिक स्वरूप पे आते समुद्री तट। नाम से क्लियर है बच्चों, समुद्री तट यानी समुद्र के किनारे का भाग। तो हमारा समुद्र कहाँ है? दक्षिण के अंदर। हमारे साउथ के दोनों तरफ ही तो समुद्र है। यहाँ पर तो क्या है? यहाँ पर तो हमारा आता है अरब सागर। यहाँ पर क्या आता है? अरब सागर। और यहाँ पर आता है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से सटा हुआ जो ये एरिया है पतला सा, उस समतल मैदान को समुद्री तट कहते हैं। अब बच्चों अपन ने जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था तो अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पर तो हमारा पश्चिमी घाट है और यहाँ पर हमारा पूर्वी घाट है, याद है आपको लास्ट वीडियो के अंदर। अब पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य का जो एरिया है वो पश्चिमी तट कहलाता है, और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य का जो समतल मैदान है वो कहलाता है पूर्वी समुद्री तट। अब पश्चिमी घाट तो बच्चों में यहाँ पर यही लिखा है कि अरब सागर व पश्चिमी घाट के मध्य सकरा समतल भाग होता है। अरब सागर और पश्चिमी घाट, यहाँ अपना अरब सागर है तो अरब सागर और ये पश्चिमी घाट के मध्य जो समतल एरिया है उसे अपन क्या कहते हैं? पश्चिमी समुद्री तट। ये कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक। और इसका स्टार्टिंग का है हमारे गुजरात के अंदर सौराष्ट्र से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर तीन तरह के तट है। सबसे ऊपर कोंकण तट जो मुंबई व गोवा को जोड़ता है, अरे मुंबई व गोवा के मध्य जो तट है उसको कोंकण तट कहते हैं। इसी प्रकार गोवा व मैंगलोर के बीच का जो तट है उसको कन्नड़ तट कहते हैं, और मैंगलोर व कन्याकुमारी के जो बीच में तट है उसको मलाबार तट कहते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया पश्चिमी तट। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि पश्चिमी तट कहाँ पर है? अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य सकरा समतल एरिया है, और ये क्या है? सौराष्ट्र से प्रारंभ हो रहा है, कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और पश्चिमी घाट थोड़ा सकरा है, और पश्चिमी घाट के अंदर तीन तरह के तट है, कोंकण कन्नड़ और मलाबार। कोंकण मुंबई व गोवा के मध्य, कन्नड़ गोवा व मैंगलोर के मध्य, और मलाबार है वो मैंगलोर व कन्याकुमारी के बीच। अब हम पूर्वी तट की बात करते हैं। तो पूर्वी तट कहाँ से है? पूर्वी तट कहाँ होगा? पूर्वी तट हमारा ये रहा, यानी बंगाल की खाड़ी और जो हमारा पूर्वी घाट है उसके मध्य का जो समतल एरिया है वो क्या कहलाता है? पूर्वी तट। अब बच्चों आपको लास्ट वीडियो को याद कीजिए, अपन ने कहा था कि जो पश्चिम में जिन नदियों का उद्गम है, चार नदियां थी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और माही, KKMG ऐसे याद रख लीजिए। कृष्णा, कावेरी, माही और गोदावरी जो इनका उद्गम पश्चिम में है वो क्या हो रही थी? हमारे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, इसीलिए हमारा जो पूर्वी घाट था वो क्या था? बीच में कटाफटा है। तो पूर्वी घाट कटाफटा है तो वो नदियां क्या पूर्वी घाट से पूर्वी समुद्र तट में आकर के फिर समुद्र में गिर रही है। तो इन नदियों की वजह से जो पूर्वी तट है, पूर्वी समुद्री तट काफी समतल है और बहुत अधिक फैल गया है क्योंकि इसने इसको काट रखा है। इसलिए पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक समतल है और अधिक चौड़ा है। तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि पूर्वी तट कहाँ है? बंगाल की खाड़ी व पूर्वी घाट के मध्य चौड़ा व अधिक समतल है। मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया क्यों चौड़ा और अधिक समतल है, क्योंकि हमारी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और माही नदियां पश्चिम से आ रही है और पूर्वी पूर्व के अंदर अरब सागर के अंदर गिर रही है, तो उन्होंने उसको अपरदन कर दिया है, तोड़ फोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो समतल और चौड़ा हो गया है। फिर ये कहाँ होता है? गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक है। ये कहाँ था? पश्चिमी घाट कच्छ की खाड़ी से और वापस कहाँ आ रहा था? कन्याकुमारी तक, लेकिन ये गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक आ रहा है। और इसके भी दो भागों में बांटा है इसको, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। तो बच्चों अपने ये भी अपने पढ़ लिया दोनों तरह के समुद्री तट, पश्चिम के अंदर पश्चिमी समुद्री तट और पूर्व में पूर्वी तट। अब हमारा जो लास्ट भौतिक स्वरूप है, जो हमारे द्वीप है यानी द्वीपीय समूह की बात करेंगे, तो इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिया के अंदर दो तरह के द्वीप की बात करेंगे अपन, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार। तो इधर तो अपना लक्षद्वीप होता है और इधर अंडमान और निकोबार आइलैंड होते हैं। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर के अंदर, और अंडमान और निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो अरब सागर में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। अब जो लक्षद्वीप है वो उसको एक केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर रखा है। लक्षद्वीप क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और अंडमान और निकोबार भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अब बच्चे इसके अंदर बात करते हैं कि जो लक्षद्वीप
और अंडमान निकोबार आइलैंड है उनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इनका जो निर्माण है कोरल चट्टान है, कोरल चट्टान क्या होती है जिसको अपन कहते हैं प्रवाल, प्रवाल से इनका निर्माण हुआ है। प्रवाल, जो प्रवाल होता है वो पॉलिप्स नामक एक सूक्ष्म जीव से बनते हैं। पॉलिप्स नामक एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है जो समुद्र के उथले जल में रहते हैं, कम गहरे जल में रहते हैं और उष्ण जलवायु के अंदर रहते हैं। और ये जीव क्या होते हैं, एक समूह में रहते हैं, अर्थात ये सिंगल नहीं रहते, जैसे ये एक जीव, दो जीव, तीन, ऐसे बहुत बड़ा समूह बना देते हैं। और जब समूह बनाते हैं और बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो मरने के बाद इनके जो अपचा, एक बात और, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का इस्त्राव करते हैं, इनका जो ऊपरी कवर होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवर होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है। तो ये जो पॉलिप्स से जो सूक्ष्म जीव है ये क्या करते हैं, इनको, इन्हीं को अपन प्रवाल कहते हैं। तो ये पॉलिप्स जो जीव है वो अपने बॉडी में से क्या स्त्रावित करते हैं, काय का सिक्रेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट होने के बाद वो बहुत कठोर हो जाता है। तो ये प्रवाल जो ये सूक्ष्म जीव है पॉलिप्स, वो बहुत कम समय तक जीते हैं और समूह में रहते हैं, समूह में रहकर के बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो जो उनके अवशेष रहते हैं वो एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, वो प्रवाल का रूप ले लेते हैं। तो बच्चों आप कल्पना कीजिए कि इतने छोटे छोटे जीव से इतने अधिक संख्या में ये रहते हैं, ये मर जाते हैं और वहीं पर उनके अवशेष रहते हैं कि हमारा इतने बड़े बड़े द्वीप बन गए। तो चारों तरफ पानी रह जाता है और ये जहाँ पर इकट्ठे थे वहीं पर ये द्वीप बन गया है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि लक्षद्वीप का जो है वो प्रवाल, जिसको मुंगे की चट्टान भी कहते हैं, और जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं, ये सूक्ष्म जीव है और बहुत कम जीवित रहते हैं। तो इन्हीं से हमारा ये द्वीप का निर्माण होता है। अब बच्चों जो लक्षद्वीप है ना, उसका लक्षद्वीप नाम तो 1973 के अंदर मिला है, उसके पहले इसका नाम था, तीन नाम थे इसके, लक्षद्वीप, मोनिकाय और एमिन द्वीप। याद रखना है अपन को कौन से तीन नाम थे, इसके ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर आ सकता है ये, और छोटे क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों ये पूछ सकते हैं। तो इसका नाम था लक्षद्वीप, मोनिकाय और एमिन द्वीप के नाम से इसको जाना जाता था। और ये मैंने बताया दिया कि पॉलिप्स नामक सूक्ष्म जीव से इसका निर्माण हुआ है, किसका, प्रवाल का निर्माण। इसके बाद जहाँ लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक है। ये चीज हमने देखा है ना जब हमने इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि ये यदि पृथ्वी है तो ये अपनी जो विषुवत रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांट ली है, और हमारा इंडिया का यहाँ पर यानी उत्तरी गोलार्ध में और पूर्व में, तो हमारा ये जो नीचे का जो भाग है वो विषुवत रेखा के नजदीक है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, विषुवतीय है। और ये इसके अंदर जो द्वीप कितने हैं, 32 किलोमीटर क्षेत्र में 32 द्वीप बने हुए हैं, कितने, 32 किलोमीटर एरिया के अंदर 32 द्वीप हैं, और जो कि कम बिखरे हुए हैं। और अपन को यहाँ पर एक बात ये भी याद रखनी होगी कि इसके दो और पार्ट बता दिए, कारावती घाट, कारावती द्वीप और पिटली द्वीप। तो जो कारावती द्वीप है वो इसकी, यहाँ पर इसका प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक मुख्यालय है, कौन सा, कारावती द्वीप, अर्थात ये इसकी कैपिटल, राजधानी है। और जो पिटली द्वीप है वो भी इसी का द्वीप है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा हरा भरा है और यहाँ पर कोई मनुष्य निवास नहीं करता है, सिर्फ पक्षी और वनस्पति है, और यहाँ पर एक पक्षी का अभयारण्य भी है। तो लक्षद्वीप के अंदर क्या है, बहुत अधिक पक्षी है, बहुत अधिक वनस्पति है, कई तरह की वनस्पतियां हैं, और इसका निर्माण प्रवाल से हुआ है, प्रवाल नामक चट्टान जिसके मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। और प्रवाल का निर्माण कैसे हुआ है, पॉलिप्स नामक सूक्ष्म जीव से, जो कि पॉलिप्स नामक सूक्ष्म जीव उथले समुद्री जल में रहता है, शुष्क जल, उष्ण जलवायु के अंदर रहता है, और ये कम समय तक जीवित रहता है और समूह में रहता है। तो जब ये मर जाते हैं तो उनके अवशेष रह जाते हैं, और क्योंकि ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं, तो जो कि एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, और इस प्रकार इस द्वीप का निर्माण हुआ है। और इसके अंदर इसको दो द्वीप है, इसमें कावारती और पिटली द्वीप। तो कावारती इसका जो मुख्यालय भी है, इसका काय के लिए, कार्य व्यवस्था के लिए, तो और इसको इसकी राजधानी भी कहते हैं। और पिटली द्वीप के अंदर एक विशेष बात ये, कोई मनुष्य नहीं रहता है, यहाँ पर कई तरह के पक्षी और वनस्पति है, और एक पक्षी का अभयारण्य भी है। अब बच्चों अपन लक्षद्वीप के बाद आ जाते हैं अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर। तो जो अंडमान और निकोबार है वो किधर है, इधर दक्षिण के अंदर, इधर बंगाल की खाड़ी के अंदर, और अंडमान ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, तो निकोबार दक्षिण की तरफ है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको अपन बेरेन द्वीप कहते हैं, भारत के एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है, बेरेन द्वीप। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो बेरेन द्वीप ज्वालामुखी के शांत होने से हुआ है। और एक जो बात यह है कि यहाँ की भी जलवायु विषुवतीय है,
जैसे यहाँ लक्षद्वीप की जलवायु की बात करी थी, सेम उसकी जलवायु भी विषुवतीय है, लेकिन जो मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 32 किलोमीटर में 32 द्वीप है, तो यहाँ पर 350 किलोमीटर एरिया में 250 द्वीप है, और ये अधिक बिखरे हुए हैं, जबकि यहाँ पर जो द्वीप थे वो कम बिखरे हुए थे। इसका भी जो मुख्यालय क्या है, पोर्ट ब्लेयर, यानी इसका कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जबकि इसका मुख्यालय क्या था, कारावती द्वीप। यहाँ पर घने जंगल है, और मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप भी यहीं पर है, और इस सक्रिय ज्वालामुखी से ही इस द्वीप का निर्माण भी हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ था कोरल, जिसको अपन प्रवाल कह रहे थे, और इसका जो पॉलिप्स नामक सूक्ष्म जीव से, और इसका ज्वालामुखी से हुआ है। अब बच्चों एक आपके बात, एक ले आपके बुक के अंदर एक दे रखा है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बच्चों? डेल्टा क्या है, एक त्रिभुजा। डेल्टा को अपन इस तरह समझेंगे कि जब नदियां, हमारी नदियों का उद्गम क्या है, हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत में हिमाद्री, हिमनद से क्या होता है, हमारी सारी नदियां निकलती है। जब वहां से नदियां निकलती है तो अपने साथ रेत, कंकड़, बड़े कंकड़, छोटे कंकड़, और रास्ते में कई तरह की गाद को लेती हुई आती है, और जब वो वहां से लेती है तो मैदान के अंदर आती है, तो वहां मैदान में निक्षेपण करती है, और जब समुद्र में गिरती है तो गिरने से पहले बच्चों क्या होता है इसका, जैसे ये हमारे पर्वत है और पर्वत से हमारी ये नदियां आ रही है, तो नदियां समुद्र में गिरने से पहले यहाँ पर ऐसे फैल जाती है मैदान के अंदर, और एक त्रिभुजाकार एरिया बनाती है। तो नदियों, समुद्र के मुहाने पर नदियां गिरने से पहले जो त्रिभुजाकार एरिया बनाती है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और ये जो ट्राइंगुलर शेप, और कौन कौन सी नदियां हैं, तो वही पांच नदियां, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और माही, ये चार नदियां जब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, उसके मुहाने पर त्रिभुजाकार एरिया बनाती है, त्रिभुजाकार मैदान बनाती है, उस ट्राइंगुलर शेप को ही अपन डेल्टा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस तरह से हुई कि नदियां समुद्र में गिरने से पहले समुद्र के मुंह पर, मुहाने पर जो त्रिभुजाकार मैदान बनाती है, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं। और सब डेल्टा का एक अच्छा एग्जांपल, अच्छा यहीं पर हमारे जो बात करते हैं कि हमारे जो उड़ीसा राज्य के अंदर है एक लगून है। लगून क्या होता है, जहाँ पर थ्री साइड तो वाटर होता है, पानी होता है, और वन साइड यहाँ पर स्थल होता है। तो ऐसा पानी का है, ऐसा एरिया पानी का जहाँ तीन साइड तो क्या हो, स्थल हो। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया आपको कि तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ पानी हो। तो इसका जो एग्जांपल है वो बच्चों चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो उड़ीसा के अंदर है, और उसके अंदर तीन तरह स्थल है, लेकिन एक तरफ ये क्या होती है, समुद्र के अंदर जाकर के गिरती है। तो आपकी बुक के अंदर एक डेल्टा का दे रखा था, तो यदि आपको डेल्टा के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, माही नदियां पहाड़ से निकलती है, अपने साथ रेत, कंकड़, गाद, मिट्टी सब कुछ लाती है, और अरब सागर में गिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उसके मुहाने पर एक त्रिभुजाकार भाग में फैल जाती है, जिसे ही हम डेल्टा कहते हैं। और यदि चिल्का झील की बात आए तो उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, वो तीन तरह तो स्थल है इसमें, और एक तरफ समुद्र है, और इसको अपन लेगून भी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन हमारे पांच वीडियो के द्वारा पूरा हो गया, जिसमें पूरे ही छह भौतिक स्वरूप की बात अपन ने कर ली है, हिमालय पर्वत, मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, समुद्री तट और द्वीप। तो अब आपका काम यह है कि पांचों वीडियो को एक से अधिक बार देखिए, एक दूसरे से कोरिलेट कीजिए, और भारत का नक्शा लेके बैठ जाइए, आपकी बुक भी खोल लीजिए, है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो का, इस लेसन का, इस वीडियो के साथ ही ये लेसन अपना कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेसन लेंगे। अभी तक अपन ने 9th SST के अंदर पॉलिटिकल साइंस के दो लेसन पढ़ लिए, और ज्योग्राफी के भी दो लेसन अपने आज कंप्लीट हो गए। अब नई वीडियो में नया लेसन होगा, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।